इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर जिले से आ रही है। जिले में आयोजित किए गए सिपाही भर्ती परीक्षा के दो मास्टरमाइंड को भव्वा हॉस्टल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, आरोपी पिंटू पालूफ सूर्य प्रकाश एवं नारद पालूफ नीतीश कुमार सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटर का काम करता था। उनके यहाँ से दो स्मार्टफोन और एक कीपैड फोन भी बरामद किया गया है, जहाँ स्मार्टफोन में 100 से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र भी मिला है। अपराधियों को पकड़ा गया है जो एक डैम का सेटर का काम करते थे। दोनों कैमूर जिला के ही थे। इसके बाद हम लोग फॉलोअप में इसका सरगना एक पिंटू बाल है जो कैमूर जिला का ही था, जिसकी सूचना हम लोगों को जब प्राप्त हुई तो SDPO भगवा के नेतृत्व में एक टीम हम लोगों ने बनाया। यही पास के हॉस्टल है, वहीं से पिंटू बाल को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वो अपना मोबाइल फेंक दिया था, लेकिन पुलिस के द्वारा मोबाइल बरामद किया गया। उस मोबाइल में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड थे। इसी बेसिस पर गहन पूछताछ की गई तो फिर एक और नारद पाल एक व्यक्ति है जिसको भी बताया कि वो भी सहयोग करता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। कई एडमिट कार्ड्स इनके मोबाइल से बरामद किए गए हैं। इसे कनेक्टेड जितने और भी लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनका जो तरीका है, ये लोग कैंडिडेट्स को जुगाड़ करते हैं और बहुत सारे लड़कों से फर्जी रूप से ये लोग एग्जाम को फॉर्म भरवाते हैं। जब भी कोई ऐसा सेटर मिल जाता है, कोई जो अगर चाहता है इनका इनके साथ मैनेज करता है उस एग्जाम के लिए, तो ये जो फर्जी जिस लड़के के एडमिट कार्ड भरवाए हुए रहते हैं, यदि उस हॉल में उसका भी सेंटर है तो फिर उस लड़के के स्थान पे एक स्कॉलर को इनको जो स्कॉलर बोलते हैं, वैसे ही लड़के वहाँ बिठा दिया जाता है। तो वो फिर आपस में तालमेल करके और किसी तरह से उसका ये करता है, मदद करता है, उसको थ्रू करवाता है। इनका एक तो काम है कि 100-150 लोगों को, जितना भी इनके कांटेक्ट के लोग हैं, उन सबको फर्जी रूप से, वो अभ्यर्थी होते नहीं हैं, उनको एग्जाम देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको फॉर्म भरवाने का काम ये लोग करते हैं। और एक लड़का वहाँ मिला हम लोगों को, उसे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं, उसने भी बताया कि कुछ 8-9 लाख में बात हुई थी। अगर उस हॉल में सेटर मिल जाता है, सेटर मिल जाता है तो फिर उसको भी मदद करेंगे ये लोग, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया था। इनके पीछे कोई सरगना भी है सर? ये पिंटू पाल फिलहाल है और इसके नेटवर्क काफ़ी बड़े हैं। और भी लोग कौन कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग निकालेंगे। सर पूछताछ में क्या बताया कि पहले भी ये लोग रह गया इस मामले में? अभी भी इसे नहीं बताया है। बहुत ये हार्डेंड क्रिमिनल है, बहुत सख्ती से पूछताछ करना पड़ रहा है, इससे काफ़ी कुछ निकल रहा है। लेकिन मोबाइल से काफ़ी एविडेंस इसका निकला है हम लोगों को, जिसमें 40-50 एकड़ एडमिट कार्ड यहाँ हम लोग को मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या है अब तक की पूरी अपडेट? देखिए, कैमूर जिले के कैमूर SP ललित मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के साथ जो है कैमूर में भी पुलिस भर्ती को परीक्षा चल रही थी, वहीं जो है दो लोगों को जो है कि होटल से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कई तो जो फर्जी तरीके का जो है सर्टिफिकेट परीक्षा बहाली को लेकर उसमें कागज पाया गया, मोबाइल पाई गई, उसमें तमाम चीजों का जो है कई बिंदुओं पर पुलिस कर रही है जांच। पुलिस भर्ती बहाली को लेकर दो लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। आगे कैमूर SP ने कहा कि इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उसकी जांच चल रही है, अगर इसमें कई लोग अगर पाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।